करनाल पुलिस की सीआई वन शाखा ने ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चुराने वाले दो चोरों को पुरानी सब्जी मंडी से गिरफ्तार किया। पकड़े गए ट्रांसफार्मर चोरों ने पुलिस पूछताछ के दौरान 28 चोरी की वारदातों को कबूला है। पकड़े गए ट्रांसफार्मर का कीमती सामान चोरी करने वालों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। शातिर चोर दिन में देखे कर रात के समय बिजली की लाइन काट कर ट्रांसफार्मर का कीमती सामान चुराते थे। अभी तक इसमें वारदात में दो चोर अरेस्ट हुए हैं, महावीर सिंह और सोन सिंह। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मौका से 20 किलो ट्रांसफार्मर प्रयोग होने वाले तार तांबा बरामद की गई है और इन्हें पूछताछ के दौरान 28 वारदातें कबूल की हैं और महावीर के खिलाफ पहले से 11 मुकदमे दर्ज है थाना शहरांसी में। ये जी पहले दिन में कोई ट्रांसफार्मर देख लेते थे जो अकेले में होता था और बस्ती से दूर, और रात को कोई 11-12 बजे जाते थे, लाइन काट देते थे और ट्रांसफार्मर को नीचे गिरा करके उसमें को खोल कर उसका कीमती उपकरण कोयले वगैरह तांबा की निकाल लेते थे और उसके इससे बिजली बोर्ड का काफ़ी नुकसान होता था। अच्छा। उन्हें तेल वगैरह तो मौका भी खिंड गया, बॉडी वहीं चली पड़ी रही उसकी, बाकी अपने काम की जिनकी चीज़ थी अपने तार तांबा वगैरह निकाल के ले जाते थे। आधा पौना घंटे में जी पहले 28 वारदातों को जी करनाल डिस्ट्रिक्ट की। ये एक आदमी रहने वाला है जिनमें गड्डी अपने इसके पास गाँव पड़ता है, 80 सिटी थाना के अंदर डाणीपाल गांव है और एक उरलाना गांव है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में मतलौडा थाने के अंतर्गत आता है। कहां से गिरफ्तार किया इसको जी? 30 तारीख को पुरानी सब्जी मंडी करनाल से गिरफ्तार किया। ज्यादातर वारदातें कहां की हैं इनकी? ये जी बुटाना, थाना बुटाना और थाना तरावड़ी, तरावड़ी नीलोखड़ी और कुछ इसकी अपने सदर की जी बुवाणी खेड़ा एक कबाड़ी उसको बर्तन वाली दुकान वालों को बेचते थे। अदालत से नहीं जी अभी तक जो गिरफ्तार नहीं हुआ, अगर रुपये नहीं मिला उसको शामिल तफ्तीश किया जाएगा जी, कोर्ट में पेश किया।